जानी भाई मार्च कर रहा टुवर्ड्स 100, क्या पता आज ही वो दिन हो जब मैं अपना पहला 100 करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। भाई आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, फाइनल मैच है CPL का, उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं इंटरनेशनल ड्यूटी पे। अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज होगी, लेकिन आज तब एक मैच है भाई, गयाना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेज आपके भाई की टीम है जी बारबेडोस रॉयल्स को। इतनी माठी टीम को आपके भाई फाइनल तक ले आया हुआ है, वैसे कलेक्टिव टीम एफर्ट है, लेकिन भाई फिर भी कुछ परफॉर्मेंस भाई ने दी है। वीडियो फटाफट से लाइक कर दो, अगर आ ही गए ना चैनल पे तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स में प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। विकेट बहुत अच्छा है, जो इंप्रूवमेंट्स की चीज है वो मुझे बताओ, मैं इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियोस के अंदर। पिच पे भाई घास छोड़ा हुआ है, ग्रासी और ड्राई ट्रैक है, लेकिन अंडर लाइट्स है, बॉल यहाँ में निकलेगा भी, यहाँ पर स्विंग एंड सीम दोनों चीजें ही होंगी। सिक्का उन्होंने चला है, हमने चूज किया है भाई साहब आज हेड्स, और दे हैव वन द टॉस, देखते हैं भाई वो क्या करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि मैं बाद में चेस करूं। ओए यार, फिर बैटिंग करनी पड़ेगी, सेमीफाइनल में भी यही हुआ था, बड़ा टोटल लगाया था, आज फिर बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 200 का एम करेंगे तो 190 पे कहीं फिनिश करेंगे हम जाके। कोशिश करेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें आज। ये देखो ट्रॉफी पड़ी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है यार, सीरियसली लड़के आ गए उनके सारे, और ये हमारे दो ओपनर साहब का भाई और साथ भाई कायल मेयर्स, पूरी वही टीम मैंने कैरी की है, मैंने सबको चांस दिया पूरा, मैंने कहा भाई बेशक तुम स्कोर करो ना करो, तुम ही मेरी साइड हो, तुम लोग एंड तक खेलोगे, क्या पता आज ही उधर जब सारे परफॉर्म करें। कगिसर बड़ा है न्यू बॉल, पटाखे शटाखे बच गए, शुरलियाँ पटाखे, फाइनल मैच की पहली बॉल होने लगी है, और लुंगी एनगीडी, सॉरी मैं समझ रहा था कगिसर बड़ा है, मुझे वही शक हो रहा था, मैंने कहा रबाडा का चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। चलो जी लुंगी एनगीडी फर्स्ट बॉल करने का इन द फाइनल, और भाई ने भाई पूरी टीम को पैगाम दिया कि यार डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम मारेंगे इनको आज, ठीक है, पॉजिटिव स्टार्ट दिया मैंने। चलो जानी छोड़ना नहीं है, भाई ने कहा वाकई नहीं छोड़ना, स्ट्रेट लाइक एन एरो ओवर द स्ट्राइक स्क्रीन के ऊपर से भाई बड़ा छे दे दिया है, आते ही छे के साथ प्रेशर कर दिया, और ये पुल की ये तो चौका है, ये नहीं रुकती भाई, अबे ये कैसे रुक गया भाई साहब, इतनी प्यारी टाइम की थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी शॉट्स आएंगे भाई, क्राउड आज ना फुल टाइम क्रेजी हुआ हुआ है वेस्ट इंडीज का। ओए आउट स्विंगर था, लेकिन अच्छा खेला हूँ जी, पूरा बॉल के ऊपर आके खेला हूँ, जानी खेल दे भाई, जितना शुरू में अटैक करेगा उतना टीम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, 6 रन के लिए खेल दिए, क्योंकि बाद में स्पिनर्स आते हैं, स्पिनर्स पर हम थोड़े फंसते हैं, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं किस चीज़ की। ये देखो मुंह लटक गए हैं भाई साथ ही उनके, बेटा अभी तो बहुत पिटाई होनी है तुम लोगों की, अभी तो बहुत पिटाई होनी है तुम लोगों की, इन द गैप है, चौका नहीं मिलेगा, 2 रन तो ईजिली मिल जाएंगे, 3 के लिए ट्राई कर सकते हैं हम, नहीं 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 नहीं, नो नीड फॉर द थर्ड वन। अच्छा ओवर लगा है पहला, 16 रन का स्टार्ट दिया है, प्रेशर फौरन भाई उनकी टीम पर डाल दिया हमने, क्योंकि अपने होम क्राउड में भी खेल रहे हैं वो, और हम डरने वाले नहीं है, उनकी तरफ से बैटिंग अच्छी होगी, आई थिंक सैम अयूब उनकी तरफ खेल रहा है। कायल मेयर्स भाई बड़े बालों वाली चुड़ैल, आज तेरा काम है आज स्कोर करना, तुम्हें हर हाल में करना है जानी, कीमो पॉल ओवर करने आया उस तरफ से। लो जी कायल मेयर्स ने तीसरी बॉल पे भाई सिंगल करा दी, उसने कहा यार भाई मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज़ आप इसको हैंडल करो। स्किडी स्किडी पड़ गया बॉल, एकदम से उछला भी है ज़्यादा, वाइड बॉल है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ, यार तुम लोग चेक करो लाइटिंग कितनी प्यारी है यार, सर एयरपोर्ट जैसा व्यू लग रहा है, जिस तरह के छोटे छोटे लाइट्स लगी वहाँ पे, मज़ेदार ग्राउंड है यार, बहुत प्यारा है। चलो जी पॉल टेकन 3 वाले पॉल, ओए 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 टेकन 8 में भी आ गया, अब तो भाई पॉल अभी तक बच रहा है हमसे, लेकिन कब तक बचेगा, आखिर पिटेगा मुझसे ये भी, 6 रन के लिए एक और बड़ा शॉट ग्राउंड से बाहर। चलो जी कीमो पॉल आ जाओ बेटे आ जाओ, हालो प्यारा सा चौका, स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम द बुक ऑफ बाबर आजम, व्हाट अ लवली शॉट यार, कवर ड्राइव भी बाबर भाई से सीखी है, स्ट्रेट ड्राइव भी बाबर भाई से सीखी है हमने। ओए बॉल अच्छी थी भाई इस दफा, ऑफ कटर था थोड़ा सा, 32-2 बारबेडोस, शॉट है लेकिन फील्डर भी मौजूद है भाई, जानी जानी फील्डर्स को बीच में ना लाओ, तुम ऊपर से जाओ, व्हाट अ लवली शॉट फॉर 6। कप्तान ने सिर्फ स्कोर भाई चलाया हुआ है, बाकी तो 2 आउट हो चुके हैं, ग्रीव्स आ चुका है क्रीज पे, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला, आज बड़े बड़े छक्के फेंक रहे हैं, वो चेक करो भाई डीप मिड विकेट के ऊपर से इस्तीफा उठा के, बहुत बड़ा छक्का यार, स्कोर कार्ड में क्या सीन किया इन लोगों ने भाई, रहीम कॉर्नवॉल पे मुझे उम्मीद थी भाई, दूसरी गेंद पे निकलता गया वो, एक पे चौका और दूसरी पे आउट, मेयर्स ने तो वैसे कुछ नहीं किया आज, नीचे रॉबमन पॉवल है, पॉवल को मैंने जितना लेट हो सकता ना लाना है, क्योंकि वो उससे मैंने बिग हिटिंग करवानी है एट द एंड, आके 14वें 15वें ओवर से पहले ना आए भाई, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो खड़ा हुआ ना मेरा लड़का भाई साहब, पार्टनरशिप लगानी है आपने मेरे साथ, सिंपल बस, और कुछ नहीं करना ग्रीव्स आपने। चलो जी ग्रीव्स ने वाकई कहा है कि बाकी मैंने कुछ नहीं करना, कप्तान जी आप ही ने करना जो भी करना है, चलो पावर प्ले का पूरा यूज़ लेते हैं फिर हम,
शॉट है, बैकफुट से पंच कर दिया, 6 रन हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, दैट इज ऑन द फोर। बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं है भाई। बड़े फाइनल के अंदर ना 16 गेंदों में 42 कर लिया हुआ है, बड़ी इनिंग्स खेल रहा हूँ आज मैं। कैच लगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाई शॉट्स मार है ना, तो आज एजिस भी अपने काम पे चल रहे हैं। 46 हो गया 17 बॉल्स पे, फास्टेस्ट 50 हो जाएगी हमारी कैरेबियन लीग की। लेते हैं रिस्क, लेते हैं एक बड़ा मारते हैं ऊपर से। भाई साहब कप्तान ने कर दिया है अपना काम, 50 रन्स किए पूरे यहाँ पे फिर फाइनल में। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये होती है सेलिब्रेशन। 57 for 2 इस बार बडोज, और अच्छी कवर ड्राइव है, लेकिन फील्डर मौजूद कोई मसला नहीं। ये तो पक्का इधर फिक्स हो गया, अरे शॉट में नहीं रोक रहा है बंदा। भाई ये वैगन व्हील देखो, तुम लोग ऐसे ऐसे छक्के फेंके हैं, इनको याद करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। ड्वेन प्रिटोरियस आ गया, साउथ अफ्रीकन को लेकर आए हैं, लेकिन पता नहीं मैं सामने आता हूँ क्या नहीं आता सामने। भाई साथ वाले पार्टनर्स तो ना बिल्कुल स्कोर नहीं करे, 6 पे 2 ग्रीव्स। उन्होंने कहा कप्तान साहब आप ही नहीं करना, जो भी करना है हम तो बस मेला देखने आए हैं आपका। आज आ जाओ फिर सिंगल बनाओ कप्तान जी। 65 फाइनली भाई ग्रीव्स को कुछ होश आई है, उसने कहा मैं भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर ही लूँ कप्तान के साथ। छोड़ दे भाई जानी, ओए होए, मुझे लग रहा था पढ़ के बाहर को निकलेगी एक होगा, लेकिन सीधा निकला है बॉल यार। ये तो आई थिंक हेटमेर खड़ा हुआ था भाई, इनके प्लेयर अच्छे हैं। अजा भाई मोटी वैसे है तू पतली, सिंगल के लिए खेल दिया है इजीली, ठीक है ओके। अब जरा इनिंग्स को लेकर चलना है आगे, ठीक है चलो भी जानी। 10.3 का रन रेट है इस वक्त, खेल तो मचा रहे हैं, लेकिन 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 थोड़ा सा तेज़ी और करनी होगी। सर अब सिंगल मिलेगी, फील्डिंग पूरी खुल चुकी है हर तरीके से, और सारी जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं ना उन पे पूरे पे फील्डर्स लगे हुए हैं इस वक्त यार। आउट पे आउट करवाई जा रहे हैं ना, स्कोर करें चेक करो तुम लोग। पार्टनरशिप तंग नहीं इनसे बिल्ड हो रही, और ऐसे आउट हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी हिटिंग कर रहे हैं ना। रॉबन पॉल को आना पड़ गया इतनी जल्दी, भाई क्या करें इस टीम का यार। ओए होए कप्तान साहब आप ठंडे रहो, आप इजी रहो, आप टेंशन में ना हो इन लोगों की वजह से। शॉट ठीक है, इट्स ओके फॉर अ सिंगल। यार मुझे 7 चाहिए दूसरे एंड से, क्या करें ये चेक करो। रॉबन पॉल साहब भी गए, रन आउट हो गए हैं। शुक्र है मुझे रन आउट नहीं करवा दिया उन्होंने। इस टीम ने तो ना कसम खा ली है कि उन्होंने स्कोर नहीं करना, ऐसा लग रहा है बस। इन दी एयर थी, कप्तान पे भी प्रेशर आ रहा है आहिस्ता, क्योंकि रन दूसरी तरफ से रन चले मेरे। 54 तो मेरा सारा इसमें स्कोर। शुक्र है भाई अथनाजे ने कुछ स्कोर किया यार, इस लड़के ने पिछले मैचेस में भी स्कोर करके दिया हमें। शॉट है, वेरी नाइसली प्लेड फॉर अ सिंगल यार। भाई स्ट्राइक रोटेट ही करनी है अभी, तो यही सीन है सिर्फ। चलो दैट्स गुड, 6 आ चुके इस ओवर में अब तक, और भाई ने भी मार दी है। ओए यार पक्का चोकर हो गया भाई ये। चलो जी मोटी आ गई है पतली फिर से, आ जाओ बेटा मोटी, तुझे मैं सीधा करूंगी। शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल। चलो बॉल एटलीस्ट बीट नहीं होना चाहिए, रन अ बॉल चलते रहो, बीच में एक आधी ऑड बाउंड्री लग गई तो अपना काम चलता रहेगा। वाह जी वाह, एनगीडी आया है और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों ही भाईजान ने ऊपर ली हुई है। ट्रैप तो है, मुझे पता है ट्रैप है कि ऊपर से खेलने जाए, लेकिन जो बॉल मुझे जोन में मिल गई ना, और अगर फील्डिंग इसने यही खड़ी की हुई मैं तो ओवर द टॉप जाऊंगा ही जाऊंगा इसको। मैं चाह रहा हूं कि भाई यॉर्कर दे पूरा, आगे पूरी जोर की शॉट मारूं मैं। मुश्किल बॉल है, लेंथ अच्छी है भाई, मैं अभी सिंगल नहीं अभी ले रहा क्योंकि मुझे लालच आ रहा है एक चौके छक्के का। ओए लॉन्ग ऑन को देखो बाहर निकाल गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या करना है हमने। लेकिन शॉट्स दोनों बड़ी तगड़ी गई हैं, शॉट्स तो दोनों ही तगड़ी गई हैं, ये तो छक्का हो ही नहीं जाएगा। 4 रन्स, चलो ठीक है ओके भाई, आ जा बेटे। अच्छा देखो उसने लॉन्ग ऑन दोबारा ऊपर ले आया, उसने कहा और मारो, मुझे मारेंगे मारेंगे अपनी मतलब से मारेंगे हम तो, ऐसे थोड़ी मारेंगे भाई। शॉट देखो भाई, शॉट देखो भाई, ऑलमोस्ट चौका हो जाना था यार। 102 पर 4 शॉट है स्ट्रेट टू द फील्ड। ओए आजू आजू जो फंबल हुआ यहाँ पे, बहुत प्यारा, थैंक यू यार। डबल आचे, नहीं 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 भाई सिंगल ही लो। ड्वेन प्रिटोरियस वंस अगेन लास्ट ओवर करने के लिए आया अपना, मुझे लग रहा है इनके दोनों बॉलर्स के मेन ओवर तो खत्म हो गए। एनगीडी भी 4 कर चुका है प्रिटोरियस। हाँ यार पीछे कौन सा बॉलर लाएंगे इसके अलावा ये। ओए भाई बच गए, चलो जी कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज। नो बॉल है, चौका मिल गया है और फ्री हिट पे छक्का ही देंगे इस पर हम। ये हुई ना बात है, इसने फील्डिंग ऐसे चेंज कर लिया, नो बॉल में तो फील्ड चेंज नहीं होता, जो मर्जी रोंदी कर लो यार। लास्ट बॉल में मेरा ख्याल है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों बाहर तो नहीं थे यार आई थिंक। चलो ये भी एक नई रोंदी निकाली इन लोगों ने गेम में, लेकिन फिर भी भाई छक्का ही मारेंगे तो मैं हम भाई 75 पे आ गए, 37 गेंदों खेल चुका हूँ इस वक्त, क्या बात है। शॉट है ठीक है, एक रन के लिए, ऑफ स्ट्राइक हो जानी फटाफट से। चलो जी ऑडियन स्मिथ अपनी गंदी गंदी बॉलिंग करने के लिए आ गए हो तुम, वी नो पेस है नहीं तुम्हारे पास। और वे भाई 2 रन आए,
सात आगे इस ओवर में यार, अथनाजा के साथ पार्टनरशिप वाकई सीरियसली अच्छी चल रही है मेरी। वाइड बॉल है ये तो, वाइड दे दिए अंपायर प्लीज। यार ये ज्यादती है सीरियसली यार, कहाँ से हल्की से अंदर ले आया तो उसने वाइड ही नहीं दी, ये तो पक्की वाइड है। चलो जी शेफर्ड, चलो शेफर्ड बेटे ये तो वाइड है, सर के ऊपर से जा रही है, और इससे ज्यादा क्या होगी वाइड भाई। लो भाई अथनाजे का भी 50 हो गया, इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हम दोनों की जा रही है, दो दोस्तों की पार्टनरशिप जा रही है। और आ जाओ भाई सिंगल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाने। 149/4 यार फिनिश हमें अच्छा करना है एट द एंड। ओए बहुत, ओए भाई वापस, बहुत ही ज्यादा स्लो बॉल दिए इसने भाई। चलो जानी क्लियर करो पूरी ताकत के साथ, कर दो क्लियर ये चीज, दैट इज अ गुड शॉट जानी भाई। मार्च कर रहे टुवर्ड्स 100, क्या पता आज ही वो दिन हो जब मैं अपना पहला 100 करूँ T20 में, बिग फाइनल के अंदर। 15 रन अभी भी पड़े हैं, काफ़ी स्कोर है लेकिन कोई पता नहीं होता। शॉट अच्छी है, बहुत अच्छी है, गैप में है, चौका नहीं होगा आई थिंक, स्लो होगी थोड़ी सी आउटफील्ड, थोड़ी सी स्लो है भाई, बट 2 रन कोई नहीं रोक पाएगा हमारे। शॉट है यार, इतनी प्यारी कट दी थी और इतनी ज़बरदस्त टाइम हुई थी ना, पता नहीं कहाँ से इसके हाथ में आ गई है। तो जी वंस अगेन वी आर ऑन स्ट्राइक, 3 ओवर्स पड़े हुए हैं और हम 12 चाहिए अपनी 100 के लिए, लेकिन 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टीम का स्कोर। बट यार अबे बॉल बीच में तेज़ भी करता है ये, नो बॉल कर दिए, शुक्र करो शुक्र है भाई, फ्रीड दे दिए, चेक करो बैग नो बॉल यार। एक और नो बॉल, एक और नो बॉल, कोई जरूरत नहीं भागने की। 4 रन के लिए ये मेरा 100 करवाएगा लास्ट में, अच्छे ओवर में। शाबा बच्चे ऐसे ही करवाओ, गंदी गंदी बॉलिंग करवाओ, और लाओ पार्ट टाइम बॉलर्स यार अपने, अले छक्का बेटा। यार मेरे लेंथ पे बीट करवा रहा बॉल, इसका बॉल पढ़ के तेज निकलता है भाई। ओए भाई इतना अंदर आया ब्रेक होके। ऑन 93 अथनाजे, थोड़ा स्लो हो गए हो भाई, एंड के ओवर चल रहे हैं, एंचो स्कोर को। ओए भाई बिग कटर है लेकिन 2 तो मिल जाएगा इजीली। शाबा शाबा शाबा, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो मारती थी है लेकिन इजी टू। ऑन 95 और टीम का 170 हो गया कि नहीं, नहीं 168 हुआ है भाई। 2 ओवर्स आखिरी बड़े लगने चाहिए यार, ऑडियंस में थोड़ा सा कलवन बॉलर लग रहा है मुझे। ये देखो ना कटर्स पे कटर्स कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा टाइम अच्छी हुई है, इस दफ़ा टाइम अच्छी हुई है, 3 आ जाओ। नहीं भाई लड़के स्लो हो गए, अब मेरी भी पावर बार देखो ऑलमोस्ट आधे में आ चुकी हुई है भाई साहब। पहली बॉल पर सिंगल लेके फिर मुझे स्ट्राइक दे दिया उन्होंने, चलो ठीक है अच्छी बात है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड है, ओए पक्का 100 हो गया मेरा, चौका भी बचा गया यार, शॉट तो अच्छी मारी थी मैंने, चलो कोई बात नहीं। ऑन 99 भाई अपने पहली सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और बड़े सुकून से मैंने करनी है, मैंने सिंगल ही करनी है अभी सीरियसली, चाहे सेल्फिश को चाहे जो भी को, क्योंकि ये मौके कभी कभी आते हैं यार, कभी कभी आते हैं मौके। सिंगल है भाई, ओके 2 का चांस भी नहीं था, फर्स्ट 100 किया अपना आज हमने बिग फाइनल के अंदर। लड़के क्या इनिंग्स खेल गया तू मेरी जान, बहुत बड़ी बैटिंग कर गया आज। लो जी लास्ट 2 बॉल्स आएंगे मेरे पास, 65 हो चुका हुआ है, अथनाजे ने अच्छा स्कोर लगाया लेकिन ये ओवर आया हुआ। 6 के लिए खेल तो दी है लेकिन फिल्टर मौजूद है, ओहो एनर्जी भी डाउन हो रही थी यार, इसी वजह से क्लियर नहीं हो सकी बाउंड्री। विश के छक्का होता और मैं फिनिश हाई पे करता और बैट कैरी करके वापस आता, लेकिन कोई बात नहीं भाई होता है यार ऐसा। तो अच्छा 100 मारा भाई, बहुत लेवल इनिंग्स खेला हुआ उसमें, बहुत बहुत लेवल इनिंग्स इन द बिग फाइनल। लास्ट बॉल है, ठीक शानों को भेजेंगे, अक्सर ये छक्का मार देता होता है। लास्ट बॉल है और क्या किया भाई, दिखाओ तो सही टारगेट तो दिखाया करो भाई। 188 किया है हम लोगों ने, 189 टू विन है, और फाइनल के अंदर टारगेट तो अच्छा ही है। देखो लास्ट बॉल में ठीक शाना ने 2 लिया सिर्फ, चलो ठीक है इट्स ओके, अथनाजा के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। 189 करना है, स्कोर इतना कम भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं फील्डिंग सेट करूंगा यहाँ पे। चलो जी हियर वी गो, फर्स्ट बॉल है भाई, इतनी लंबी बैटिंग के बाद अभी तक एनर्जी बार मेरी नीचे ही है, लेकिन आज मैंने पूरा जोर लगा देना अपना। बॉल है ठीक है भाई, क्राउड फुल बैठा हुआ इस वक्त, सारा कैरेबियन इकट्ठा हो गया आज यहाँ पे। यार विकेट्स मिल जाए आज तो सोने पर सुहागा हो जाए भाई। स्लो करो ये अपील कर देता हूँ यार, कहाँ से बच गया ये, आउट तो नहीं है लेकिन अपील करने में हर्ज भी कोई नहीं है। अब हम करेंगे भाई साहब इसको एक ज़बरदस्त किस्म का मुंह तोड़ने वाला ही, और बाउंसर एज लगा टॉप पे इसके चौका है, और ये जो होता है ना एफर्ट बॉल आप करवाते हो उसके बाद चौका निकलता ना पड़ा, आप सोच सकते हैं इस बॉल का। इस दफा थोड़ी सी सीधी बॉल नहीं होगी बल्कि बाहर को निकल रही होगी, अगर खुद शाबा शाबा बॉयज, बहुत आला एग्रेशन देखो भाई लड़के का। लो जी 4 बॉल्स हो चुकी हैं, ये स्लो कर लूँगा मैं, ये स्लो है, गैजेट फिल्टर मौजूद है, बट नहीं भाई जस्ट अ सिंगल, पकड़ 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 खुद से,
यार मेरे बॉलर के ना एक मसला है, ये बॉल पकड़ता ही नहीं है, जाते नहीं बॉल की तरफ। अच्छा उनकी तरफ बैटिंग तो देखें कौन कौन सी है भाई। सैम अयूब ने 1 डाउन आना है, ये क्या इन्होंने बेवकूफ़ किया है। शई होप है, हेटमेयर है, शेफर्ड है, और प्रिटोरियस भी छक्के हिटिंग कर लेता होता। स्मिथ पॉल तक हिटर्स तो हैं इनके पास आज। चलो हमारा भी ये टास्क है कि हमने रोकना है इनको यार, 189 नहीं करने देना आज। स्कोर तो कर दिया हमने बोर्ड पर, लगा दिया अच्छा खासा। बॉल अच्छी है, कैच इट। ओ नहीं 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 जैसे सिंगल, ठीक है ओके भाई, हाथों में देना प्लीज़। बाबा जानी पहले ओवर में 6 आया, बहुत अच्छा ओवर किया हमने यार। मेरा ख्याल है मैं आफ्टर पावर प्ले आता हूँ, थोड़ी सी ना एनर्जी अपनी बढ़ा के ज़रा फुल टाइम आके जोर लगाएंगे। ये ओवर हम करवा देते हैं यहाँ पे, जेसन होल्डर को लाते हैं कि होल्डर ज़रा आओ थोड़ा सा स्टार्ट तो करो ना भाई। 101 for 4, सैम अयूब खड़ा हुआ था, डेंजरस सैम अयूब खड़ा हुआ है अभी यहाँ पे, और बीच में विकेट्स तो निकले हैं। आ गया भाई आप भाई, ज़रा स्कोर कार्ड एक बार जल्दी से चेक कर लें। जेसन होल्डर ने विकेट निकाली है, एस अहमद ने निकाल दिया, ठीक शाना और कॉर्न वॉल भी ले गया एक विकेट, हेटमेर का बड़ा विकेट, लेकिन सैम अयूब जो खड़ा हुआ नहीं है, खतरनाक लड़का भाई। फील्डिंग फटाफट सही कीजिए पहले। चलो जी फील्डिंग अच्छी ही लग रही है, सामने भी फील्डर्स हैं, लेग साइड पे भी हैं, मिड विकेट भी कवर है। एक्स्ट्रा कवर मारना है तो हिम्मत है तो मार दो भैया, हमें इतने हो तो मारो तुम। आजा भी आजा, लेकिन ये थोड़ा सा गैप बड़ा नहीं लग रहा मुझे तो लग रहा है यार। यार जानी पकड़ा तो कर बॉल एटलीस्ट यार। यार सैम को ना कोई स्पेशल किस्म का बॉल करना पड़ेगा, सैम की पोल तो अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी पहला बाउंसर पर लूंगा इसको। हाँ मार के दिखा मुझे बाउंसर पर, चल शॉट है जस्ट अ सिंगल। ये देखो पकड़ता ही नहीं है बॉल सीरियसली ना, क्या ग्लिच है यार इस गेम में, और हर बार डर लगता है कि चौका ऑन हो जाए पीछे का। शुक्र है बैकअप मौजूद होता है। मैं करने जा रहा हूँ आउट, दैट्स द विकेट, विकेट फॉर अस भाई। प्रिटोरियस लंबे लंबे बाजू है इसके, बड़े छक्के मार सकता था, लेकिन हमने स्लो बॉल किया यहाँ पर। मैंने एट द लास्ट मोमेंट पर जाकर ना, मैंने इन स्विंगर तो था साथ में, थोड़ा सा कटर भी था, मतलब कटर नहीं था, थोड़ा सा स्लो मैंने बॉल बिल्कुल रिलीज पॉइंट में मैंने थोड़ा स्लो कर दिया था उसको। गुड कैच भाई अथनाज़, गुड हो गया जानी। रोमारियो शेफर्ड आ गया भाई फाइनल मैच के अंदर। जानी तुम लोगों को कोई जगह नहीं आज, आज बारबड उसको कोई नहीं रोक पाएगा मुझे लग रहा है। ओए बिग स्विंग है ना मिस यार, शेफर्ड तो आया ही हमें मारने के लिए बेटा, हमें मारना इतना आसान नहीं है। चलो जानी शेफर्ड को करो बोल्ड, नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं। फिल्टर लिए हुए हमने हर जगह पे, सारे हॉटस्पॉट पे फिल्टर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए फिल्टर मौजूद नहीं है हमारे। सबसे बड़ा मसला ये है जो ये देखो ना, पकड़ते नहीं है, ये चेक करो क्या चल रहा है भाई, मुझे ना दो तुम लोग बॉल यार, सीरियस में ये ग्लिच आया हुआ है गेम के अंदर यार। बॉल ऑफ द सेंचुरी होने लगी है मुझे लग रहा है, ये देखो बोल्ड, बोल्ड नहीं हुआ भाई, पैड्स पे आ गई। प्लीज़ भाई हाथों में दे देना आप, उधर ही फेंक दिया करो कीपर को, मुझे ना दिया करो। 125 पे 6, सैम अयूब होल्डर का शिकार हुआ और अपनी विकेट गंवा बैठा है भाई। 24 बॉल पर 64 है, आई थिंक दिस इज़ आवर गेम नाउ। एक रोमारियो शेफर्ड ही रह गया, उसके अलावा तो मुझे लग रहा है एंड हो गया इनका सब कुछ। ये भी कितना वो कर लेगा यार भाई, मुझे ना दो तुम, पकड़ ले तू। ये देखो यार पकड़ ही ना रहा यार, क्या ग्लिच आया हुआ गेम में, नहीं पकड़नी। ये देखो ओ भाई खुदा का वास्ता यार, खुद ही पकड़ लो, शुक्र करो रन ज़्यादा थोड़ा सा, वरना तो ये जिस तरह के ग्लिच आ रहे हैं ना, मुझे ना देना प्लीज़, मुझे ना दो ना, खुद ही खेल लो भाई। सीधी सीम, सीधी सीम लेकिन थोड़ी सी स्लो थी। शाबाश शाबाश, कीपर को दो भाई, उसको चुड़ैल को भेजो, मुझे ना देना प्लीज। स्लो बाउंसर करते हैं, चल भाई चल भाई। ऑन बॉल जैसे को देखो, डाइव लगवा दी हमने यार, बेटा छोड़नी नहीं है किसने बॉल, जो मर्जी हो जाए आज नहीं छोड़नी। बॉल अच्छा है सिर्फ एक रन के लिए, पकड़ ले अब तो पकड़ ले, शुक्र है भाई पकड़ ली इसने यार। इसका मैंने किला निकालना है, तेज इन स्विंगर ला रहा हूँ मैं। ओए ओए चलो जी फिर तैयार हो जो ओवर थ्रो के लिए। नहीं भाई नहीं, इस बार बॉल के बिल्कुल नीचे लेके आए हैं, सिर्फ 4 रन आए इस ओवर में, इसको दें ओवर यार। कैसे मत नहीं, उबैद मैकॉय कर देते हैं, आजा मैकॉय उड़ा दे यार। 165 for 8, वी आर द चैंपियंस यार, और बारबाडोस चैंपियंस बन गई है भाई CPL की। आपके भाई की व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सेंचुरी की, एक विकेट ली, अच्छे ओवर किए, टीम एफर्ट की बॉलिंग में, हमेशा से टीम मेरी अच्छी सपोर्ट करती है। फाइनल मैच में ज़बरदस्त काम हो गया आज, तो हम CPL जीते हैं भाई। 101st episode है बाय द वे ये वाली आज। यू आर रियली स्टार्टिंग टू शेप दिस टीम टू अ विनिंग आउटफिट, एंड यू भाई खत्म हो गए टूर्नामेंट, आई वुड लाइक टू थिंक सो। नहीं आई थिंक द कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ को डिजर्व कर दो क्रेडिट। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिस अमेजिंग विन, आई थिंक आई विल अलाउ द टीम टू सेट ऑफ 1 party popper। चलो पटाखे बजा लो भाई तुम लोग, है ना, पार्टी पॉपर छोड़ दो। क्या बात है भाई, अब हमें मिलेगी प्यारी सी ट्रॉफी, प्यारी सी ट्रॉफी, ये चेक करो भाई, लड़के हैप्पी हैं भाई साहब, चेक करो कितने मस्त लग रहे हैं, कप्तान आ गए, इतनी प्यारी सी ट्रॉफी पकड़ के बैठा हुआ है। फाइनली वी आर CPL चैंपियंस,
कैरियर मोड का सीपीएल का सफर यहाँ ही खत्म हुआ है आज, और उसके बाद जो अगले हमारे पास असाइनमेंट्स हैं भाई, इंटरनेशनल ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है हमारी। अब हम पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे जो खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश, और साथ हमारी दूसरी क्रिकेट चलती रहेगी क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान का टूर आ रहा है ऑफ इंग्लैंड, T20 सीरीज है, नेक्स्ट मैच इन इतने दिनों में। मैं वैसे खेलना नहीं चाहता कोई भी छोटा डोमेस्टिक मैच, लेकिन यार इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे बांग्लादेश का टूर आ रहा है, उससे पहले ये चेक करते हैं कैलेंडर में जाकर जरा क्या सीन है भाई। अच्छा डोमेस्टिक दे दिया हमें, बांग्लादेश का टूर किधर है ये लगा हुआ, बांग्लादेश का टूर यार सही। उससे पहले डोमेस्टिक मैचेस हैं और एक मैच शेफील्ड शील्ड का भी है, चलो खेलेंगे मजा आएगा ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम घुसेंगे जिम, और उसके बाद हम करेंगे अपनी ट्रेनिंग, फटीक मैनेजमेंट भी करेंगे आज। पहले फटीक लेते हैं जाके सोना में, जरा थोड़ा सुकून करते हैं यार, काफी लंबे टूर, हेक्टिक टूर के बाद वापस आए ना, जा जानी ऐश कर, थोड़ा सुकून कर अब जाके। चलो भी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।